हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षीज विद्य साधना। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करते हैं एंड मैनेजमेंट कैसे उसका देखते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. तो एक बार Paheli और Bujo, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये जाते हैं समर वैकेशंस में अपने अंकल के घर। जैसे आप लोग जाते हैं अपने दादी, नानी, मामा, मौसी के घर, वैसे ही ये लोग भी जाते हैं। और उनके जो अंकल होते हैं वो होते हैं फार्मर। अब फार्मर होते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ टूल्स उनके फील्ड में पड़े होते हैं, लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉफ। तो प्लॉफ का मैंने फोटो नहीं लगाया क्योंकि प्लॉफ होता है हल, और हल आजकल यूज कम ही करते हैं, पहले किया जाता है जुताई के लिए। अब क्या है, अब हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। इसका कहना है, आई वॉन्ट टू नो Where and how we use these tools? कि हम कहाँ, ये जानना चाहता है कि हम कहाँ और कैसे इन टूल्स का यूज करते हैं। ये वाले जो टूल्स है ना, इनका हम कहाँ यूज करते हैं। You have learned that all living organisms require food. आप जानते हैं, आपने पहले पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित है, जिसमें भी जान है, उन सबको खाने की जरूरत होती ही है। Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants make their own food? देखिए, जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्या आपको याद है, आपने पढ़ा था कि प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं? पता है तो कमेंट में बताइएगा। Animals including humans cannot make their own food. So, where do animals get their food from? देखिए, प्लांट्स की तरह एनिमल्स और हम जो है ह्यूमन बींग्स खाना अपना नहीं बना सकते। हाँ, अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, हमारी मम्मी तो हमारा खाना बनाती हैं। अरे, वो सिर्फ खाने को पकाती हैं और एक टेस्ट लेके आती हैं। लेकिन कहीं जैसे होता है, जो रॉ आइटम चाहिए, जैसे रोटी के लिए जो आटा होता है, गेहूं से बनता, गेहूं तोड़ना बना सकती, वो सब हमें मिलता है प्लांट से। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे फॉर फूड। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। इसका आंसर तो आपको पता ही है कि एनिमल्स को हमारा अपना खाना कहाँ से मिलता है और हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है। ठीक है, प्लांट से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट? ठीक है, ये तो ठीक है कि हमें खाने की जरूरत है और हम खाना नहीं बना सकते, लेकिन ये बताओ कि हमें खाने की जरूरत क्यों है, हमें क्यों खाना खाना है? Why do we have to eat? क्यों खाने की जरूरत है हमें? ठीक है, You already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration एंड एक्सक्रीशंस। देखिए, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ रखी हैं कि जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम अपनी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उन्हें करते हैं। लाइक जैसे हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, विदाउट एनर्जी हो नहीं सकते, और एनर्जी जो मिलती है वो खाने से मिलती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। मिलता है ना, एनिमल से भी मिल्क मिलता है, मिल्क से कर्ड, चीज, घी वगैरह बनता है, या फिर बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट भी खाते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? अब इसका क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, सही है कि हम हर इंसान को खाने की जरूरत है कि नहीं? हर ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल को खाने की जरूरत है। तो इतना सारा खाना लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए कंट्री में कहाँ से आएगा? सोचने की बात है, और वो भी इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें ज्यादा मात्रा में खाना पैदा करना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। और इसके लिए, ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, ज्यादा खाना बनाने के लिए, उगाने के लिए क्रॉप्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, लगातार, और एक अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, देखभाल करनी पड़ेगी हमें अपनी खेती की, अपने फार्म्स की, और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए सही तरीके से कि हर जगह हर प्रकार की चीजें पहुंच जाए ऑल ओवर कंट्री। अब हम जो देखने वाले हैं 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। तो यहाँ पर जो आया है ना BCE, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिफोर कॉमन एरा, और ये एक पीरियड ऑफ टाइम को समझाता है, एक पीरियड के बारे में बताता है समय के। तो इस चीज को हम डिटेल में एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको BCE लिखा होता है कई जगह पे, हिस्ट्रीज की बुक में लिखा होता है, किसी ईयर के आगे लिखा होता है ना, AD भी लिखा होता है कैपिटल में, है ना, और कभी कभी BCE ओनली लिखा रहता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर लेके आऊंगी और उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये क्या चीज है, कैसे। अभी आप समझ लीजिए कि ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है BCE, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। पीपल वर नोमैडिक, तो इससे पहले क्या थे, 10,000 साल पहले से लोग थे नोमैडिक, यानी बंजारों की तरह इधर से उधर घूमते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और घूमते किस लिए थे, एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने और रहने की जमीन, शेल्टर, घर के लिए जहाँ वो रुक सकें, इस चीज के चक्कर में वो लोग घूमते रहते थे, क्योंकि ग्रो नहीं करते थे खुद से कुछ भी। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो पहले क्या था, वो कच्चे ही फ्रूट वेजिटेबल वगैरह खा लिया करते थे, बाद में क्या हुआ कि उन्होंने हंट हंट करना स्टार्ट किया, यानी कि शिकार करना स्टार्ट किया। फिर लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर धीरे धीरे करके उन्हें एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, राइस वगैरह, वीट, अदर फूड क्रॉप्स उन्हें उगाना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से जो कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है, इसका जन्म हुआ, ये स्टार्ट हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो देखिए, जिस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर आ चुकी है, और ये डेफिनेशन भी बन सकती है क्रॉप के बारे में, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से लेके व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड से लेके क्रॉप तक इस चीज को लेके आना, आपको फुल नंबर मिलेंगे। और उसके बाद आप एक एग्जांपल जरूर देके आना, फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मींस दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ फील्ड, ठीक है। तो एग्जांपल जरूर दिया करें, उससे अच्छा इंप्रेशन बनता है जो भी आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उस पर। तो क्रॉप क्या होता है, जब किसी एक प्रकार के प्लांट को हम ज्यादा से लार्ज स्केल पे उगाएं तो उसको, वो हम क्या कहलाता है, वो क्रॉप कहलाता है। जैसे अगर कोई फील्ड है और उसमें वीट उग रहा है, तो पूरे फार्म में फील्ड वीट ही वीट है, तो हम उसको क्रॉप कहेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट। जैसे कि क्रॉप्स जो होते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ फार्म्स में वेजिटेबल होती हैं, कुछ में फ्रूट होते हैं, कुछ में सीरियल्स उगते हैं। सीरियल आप जानते हैं ना, अनाज को सीरियल कहा जाता है। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, और सीजन के अनुसार इनको हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो क्रॉप होते हैं, अलग अलग जो वेजिटेबल फ्रूट होते हैं ना, इनकी जो उगने का टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, अलग सीजन में उगते हैं, कोई ठंडियों में उगता है, कोई समर में, जैसे जो मैंगो
मैंगोज होते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंगोज पसंद है, तो वो समर्स में आते हैं, आपने कभी देखा हो, ठंडियों में नहीं आते। आजकल बिग बाजार में मिल जाती हैं चीजें, लेकिन वो सीजनल नहीं होती हैं, और हमें हमेशा सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। जो उस सीजन का फ्रूट होगा वही आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत विशाल देश है, बहुत ज्यादा बड़ा देश है इंडिया, है ना? आपको लगता नहीं होगा ये, लेकिन आप कंपेयर करिए वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से, इंडिया काफी बड़ा है। और बड़ा हुआ है तो क्या है इसमें कि अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग टेम्परेचर है जगहों का, और ह्यूमिडिटी भी अलग अलग होती है। कहीं रेनफॉल ज्यादा होती है, कहीं रेनफॉल कम। आप देखिए जैसे राजस्थान के थार डेजर्ट वाले इलाके में रेनफॉल कितनी कम होती है, और अगर हम वहीं नॉर्थ ईस्ट में मौसिनरम पहुंच जाए, मेघालय, तो वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में भी। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं हमारे इंडिया में, अलग अलग क्लाइमेट है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो हमारा देश काफी बड़ा है और उसके अनुसार हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, मोटे स्तर पे डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें तो एक और होता है खरीफ और रबी के अलावा, एक और टाइप होता है जायद क्रॉप बोलते हैं जिसको, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रॉडली, ब्रॉड की बात कर रहे हैं, तो हम दो ही पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ एंड रबी। तो चलो खरीफ के बारे में बात कर लेते हैं। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मे, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो कब बोए जाते हैं, बोए मतलब कि जब उन कब बीज बीज जो होता है ना, सीड कब डाला जाता है, सीड डाला जाता है पहली बरसात के साथ, यानी रेनी सीजन में तो बीज डाला जाता है, और अक्टूबर नवंबर आते आते इनकी हार्वेस्टिंग होती है। और जो मेन खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो आपके पैडी, पैडी का मतलब होता है धान, धान से ही बाद में चावल बनते हैं ना, तो जो वो पौधा खड़ा होता है चावलों का उसको हम धान कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में पैडी कहते हैं। मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली वगैरह, कॉटन यानी कपास, ठीक है, जैसे रुई वुई बनती है, मतलब रुई कोई हिंदी में एक और नाम है जो उसका, अच्छा कपास और कॉटन कह सकते हैं। ये सारे जो होते हैं ये खरीफ क्रॉप होते हैं। अब हम देख लेते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को कब बोया जाता है, आर ग्रोन इन विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में करे जाते हैं, ठीक है, ये रेनी सीजन में किए जा रहे थे ऊपर, और नीचे रबी क्रॉप्स किए जा रहे हैं विंटर में। और विंटर सीजन आपको पता है लगभग मिड नवंबर के टाइम पे ये किए जाते हैं, आर कॉल्ड रवि क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स। ओके, बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा भी जो दालें हैं और सब्जियां हैं ये अलग अलग जगहों पे उगाई जाती हैं समर्स के टाइम पे। अब हम पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं हम ये टॉपिक, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्या बेसिक प्रैक्टिस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। सही बात है, एक क्वेश्चन इसके दिमाग में आया, जो पैडी होता है, मैंने आपको अभी बताया था, पैडी कहते हैं धान को, मतलब धान को हिंदी, धान हिंदी है और इंग्लिश में कहते हैं पैडी, ठीक है ना? और इस पैडी ये पौधा होता है राइस का, जो आप राइस चावल खाते हो घर पे, इसे हम विंटर में क्यों नहीं उगा सकते हैं? तो ये बोलती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। कि पैडी कैसा होता है, इसको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है पानी की, और इसी वजह से इसको मॉनसून के टाइम पे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है ताकि पानी की कमी ना हो।
Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. देखिए, हम तो आराम से मार्केट जाते हैं पैसे लेके और दो मिनट में सब्जी ले लेते हैं, लेकिन इस सब्जी लेना जितना आसान है, सब्जी उगाना उससे 100 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है. फार्मर्स को, जो किसान होते हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है सब्जियां उगाने के लिए. आप कभी इसके बारे में ज़्यादा अपने घर वालों से जानिए, फार्मिंग के बारे में, कि उनकी कितनी मेहनत होती है एक छोटी सी छोटी सब्जी को उगाने के पीछे. और जब उस सब्जी का रेट कम हो जाता है, तभी इतने सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी साल बर्बाद कर दी होती है, पैसा लगा दिया होता है, और बाद में उनको उसका फल भी नहीं मिलता, क्योंकि क्या हो जाता है, प्राइसेस कम हो जाते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है. फार्मर्स की कंडीशन हमारे देश में काफ़ी ख़राब है. तो कुछ आपको इन चीज़ों की, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, हमारे आसपास हमारे देश में क्या चल रहा है, इसकी भी आपको जानकारी रखना चाहिए. अच्छा एक न्यूज़ चैनल देखिए, एक अच्छा न्यूज़पेपर देखिए और उसको पढ़ा करिए. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. और जिस तरीके से, मतलब फार्मर तो एक बहुत ही खतरनाक तरह से एक एक्स्ट्रा ही लेवल होता है उनका जब वो अपनी फार्मिंग करते हैं देखभाल करने में, लेकिन उस तरह की ही देखभाल एक गार्डनर भी करता है अपने फूलों की, क्योंकि हर सीज़न में हर फूल नहीं उगता. जैसे हर सीज़न में हर सब्जी नहीं उगती, वैसे ही फूल भी नहीं उगते. उनका भी अलग अलग, फूलों का अलग अलग टाइम होता है, तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है. कभी उनमें कीड़ा लग जाता है, उन्हें टाइम पे पानी देना पड़ता है, प्रॉपर सनलाइट देनी पड़ती है. यहाँ पर एक और वर्ड आया है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का. तो ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम अपने घरों के अंदर लगाते हैं शोभा बढ़ाने के लिए. ठीक है, ये काफ़ी सुंदर दिखते हैं, तो हमारे कमरे का, हमारे रूम का जो लुक होता है काफ़ी अच्छा आता है. और डेकोरेटिव पीस जो होते हैं ना, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव पीस, डेकोर आइटम्स में ऑर्नामेंटल प्लांट्स का यूज़ किया जाता है. These activities or tasks are referred to as agricultural practice which are listed below. और ये जो जितने भी काम करते हैं, जो भी स्टेप बाय स्टेप, पहले मिट्टी को देखना, ये सब वगैरह, इन चीज़ों को कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. और वन बाय वन हम इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. तो पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है ताकि हम उसमें कोई भी फसल उगा सकें. सेकंड होता है फिर उसमें बीज डालना, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. उसमें हमें फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं, मैन्योर डालना पड़ता है, खाद वगैरह, इरिगेशन करना पड़ता है. पानी नहीं देंगे तो कैसे कोई प्लांट ग्रो करेगा, पानी तो मस्ट है, तो इरिगेशन. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. तो ये जो वीड्स होता है ना, असल में जंगली घास होती है या फिर जंगली वो पौधे जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं है और ये खुद ही उग जाते हैं. और इनसे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये आपके क्रॉप फील्ड में उग जाते हैं तो ये उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो आपका जो क्रॉप है वो अच्छे से उग नहीं पाता. तो इनको भी हमें हटाना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखभाल करनी पड़ती है अपने क्रॉप्स की. फिर उसके बाद क्या होता है, क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, फिर उनको हार्वेस्ट करना पड़ता है. हार्वेस्ट कर लिया फिर स्टोरेज करते हैं ताकि हम पूरी साल खा सकें आराम से. तो ये था मेरा वीडियो लेक्चर. तो पहला ही चैप्टर है और उसका पहला पार्ट, और ये फर्स्ट वीडियो बनाया है मैंने साइंस के लिए, क्लास 8. तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट करके आपको कैसा लगा है वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में. तो तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ साक्षीज विद साधना. और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा लो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी वीडियोस का. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.